IPL 2020 के 19वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सामना हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मैच को 59 रनों से जो है वो अपने नाम किया। अगर आपको भी दोस्तों ये मुकाबला जो है वो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए क्या थी हार की सबसे बड़ी वजह, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। सबसे पहले दोस्तों बात करें मोमेंट ऑफ द मैच की, तो मैच के जो है तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट जो है हमें देखने को मिले, जहां पर सबसे पहला मोमेंट था रविचंद्रन अश्विन के मैन कैट का, जहां पर वो एरन फिंच को मैन कैट जो है इजीली कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा जो है वो नहीं किया, तो ये बहुत ही बढ़िया मोमेंट जो है हमें देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों देवदत्त पाडिकल का कमाल का कैच भी एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट था इस मैच का। वहीं आपको बता दें कि विराट कोहली इस मैच में जो है सैलिवा का यूज करने ही वाले थे लेकिन उन्हें एकदम से याद आया कि सैलिवा जो है यहां पर बैन है और फिर उन्होंने ऐसा जो है वो नहीं किया। तो ये तीन मोमेंट जो है आज के मैच में हमें देखने को मिले। चलिए बात करते हैं मैच की, तो टॉस जो है वो जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने और पहले बॉलिंग कराने का फैसला लिया। बहुत ही बेकार ये डिसीजन जो है वो साबित हुआ, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बढ़िया रही, 63 रन बना दिए पावर प्ले में बिना विकेट किसी के नुकसान के, लेकिन दोस्तों इसके बाद बैक टू बैक तीन विकेट जो है वो गिरे और मिडल ओवर में थोड़ा धीमा खेली दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन यहां पर मार्कस स्टोइनिस और ऋषभ पंत के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, जहां पर मार्कस स्टोइनिस जो है वो रहे नाबाद और टीम का स्कोर जो है वो पहुंचा 196 रनों तक। 197 रनों का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत जो है बहुत ही ज्यादा बेकार रही। 43 रन पर ही तीन विकेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो है वो गवा चुकी थी, जहां पर पाडिकल ने सिर्फ 4 रन बनाए, एरन फिंच जिन्हें 2 जीवनदान मिले सिर्फ 13 रन बना पाए और एबी डिविलियर्स भी सिर्फ 9 रन बना पाए। विराट कोहली दोस्तों एक तरफ से टिके हुए हमें नजर जरूर आए लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट था वो लगातार बढ़ता चला गया और जब विराट कोहली मैच के 14वें ओवर में आउट हुए 43 रन बनाकर, तो यहां पर मैच जो है पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथ से जा चुका था, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट था वो दोस्तों 16-17 तक जो है वो चला गया था। इसके बाद दोस्तों हमें वाशिंगटन सुंदर के बैट से एक आध शॉट जो है वो देखने को जरूर मिलते हैं लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है एक बहुत ही बड़े मार्जिन से इस मैच को जो है वो हार जाती है। बात करें दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए जीत के हीरो की, तो यहां पर सबसे पहले और सबसे बड़े हीरो रहे मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि एक समय लग रहा था कि 160-170 जो है वो बना पाएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, मिडल ओवर में काफी धीमा खेली थी लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने 53 रनों की पारी वो भी सिर्फ 26 गेंदों में, इनकी बदौलत टीम का जो स्कोर है वो पहुंचा 196 रनों तक, जिसको आराम से डिफेंड किया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग भी बहुत ही ज्यादा शानदार रही, जहां पर रबाडा ने 4 विकेट जो है वो निकाले, वहीं दोस्तों एंड्रिक नोकिया ने भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई, स्पिनर्स ने भी काफी कमाल की बॉलिंग कराई, चाहे अश्विन हो या फिर हो अक्षर पटेल, तो कमाल की बॉलिंग हमें देखने को मिली जिसकी बदौलत यहां पर इस ये रन को जो है बहुत ही आराम से डिफेंड किया दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने। बात करें दोस्तों इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में 1 की पोजीशन पर, जहां पर अपने 5 में से 4 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जो है वो जीते हैं और बहुत ही अच्छी पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है और यहां से इनका जो प्लेऑफ का रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा आसान जो है वो नजर आ रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर बात करें तो 5 में से इन्होंने 3 मुकाबले जो है वो जीते हैं, ये मुकाबला अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जीत जाती तो ये टीम भी पॉइंट्स टेबल में 1 की पोजीशन पर पहुंच जाती, लेकिन अभी भी इनकी सिचुएशन जो है वो काफी अच्छी है और उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म जो है वो करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए कौन था इस मैच का सबसे बड़ा हीरो, क्या वो मार्कस स्टोइनिस थे या फिर थे रबाडा जिन्होंने लिए 4 विकेट, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।